ऑल राइट, सो मैं दोबारा आपके सामने आया हूँ अपनी टिप नंबर 4 लेके, जो बेसिकली डील करती है फिजिक्स के रिवीजन के बारे में। तो आज हम बात करेंगे कि इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटेजी जो आपको फिजिक्स के रिवीजन के लिए चाहिए। देखिए, इस स्ट्रेटेजी को बोलते हैं कंसोलिडेशन ऑफ नॉलेज। आपने फिजिक्स की ट्रेनिंग ली, कोई पायलट बनने की ट्रेनिंग लेता है, कोई आर्मी में नेशनल डिफेंस एकेडमी में आर्मी ज्वाइन करने की ट्रेनिंग लेता है, तो एक फेज आता है लर्निंग का जिसको हम ट्रेनिंग बोलते हैं। उसमें आपको बेसिकली पढ़ाया भी जाता है, आपको प्रैक्टिस भी कराई जाती है, आपके क्वेश्चंस का आंसर भी करा जाता है। तो ये होता है ट्रेनिंग फेज, और उसके बाद आप उस कॉलेज से निकल जाते हैं और आप रियल सिचुएशन के अंदर चले जाते हैं। मैंने आपको जो है ये जो आपने सीखा है, अब पायलट अब बन गए, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खत्म, और अब आपको हवाई जहाज उड़ाना है क्योंकि आपकी नौकरी किसी भी टाइम पे लग सकती है। उसी तरह आपने फिजिक्स की ट्रेनिंग ली, प्रैक्टिस करी, डाउट्स क्लियर करे, कॉन्सेप्ट्स क्लियर करे, और अब आप बेसिकली मैदान में खड़े हैं जहां पे आपको फिजिक्स के क्वेश्चंस करने हैं। देखिए, दो तरह के स्टूडेंट हैं। एक स्टूडेंट वो हैं जो मेंटली इस बात को समझते हैं कि बेसिकली ट्रेनिंग फेज कंप्लीट होने के बाद उनको ये सब कुछ खुद करना है, और ये स्टूडेंट बहुत बड़ी एडवांटेज में रहते हैं क्योंकि जितनी जल्दी आप मैदान में उतर जाएंगे और जो आपने सीखा है उसको लगाते रहेंगे, बेसिकली फिजिक्स की भाषा में मैं बोलूंगा कि आपने जो चैप्टर और ट्रिक्स और जो सब कुछ सीखा, अब आपको कुछ नया नहीं करना है, आपको उसको बस क्वेश्चंस उठा के करते रहना है, जिससे कि आपका जो लेवल है वो बरकरार रहे, यू नो, इट इज मेंटेन्ड। तो और इम्प्रूवमेंट भी आ सकती है, मान लीजिए स्पीड में इम्प्रूवमेंट आ गई, अब आप पायलट का कोर्स करके आप बाहर निकले और अब आप हवाई जहाज उड़ाना है आपको। लेकिन बहुत सारे अच्छे स्टूडेंट हवाई जहाज उड़ाने से पहले 100 घंटे का प्रैक्टिस कर लेते हैं, हवाई जहाज मिलता है और वो 100 घंटे का अपनी तरफ से प्रैक्टिस कर लेते हैं, जो भी उन्होंने सीखा होता है वो उसे फटाफट लगा के देखते हैं। तो अगर आपका भी ट्रेनिंग फेज ओवर हो गया है तो ट्रेनिंग कैन नॉट कंटिन्यू फॉर यू नो इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम, ट्रेनिंग की एक इंतहा होती है और उसके बाद ट्रेनिंग रुक जाती है और आपको रियल लाइफ में उतरना है और आपको फिजिक्स के क्वेश्चन अपने आप करने ही पड़ेंगे। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो मेंटली आप कभी भी बैटल के लिए रेडी नहीं है। तो अगर आपको बैटल रेडी होना है तो जो भी आपने सीखा है उसको फटाफट लगाना शुरू करिए, क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करिए, टाइम टेबल बनाइए। आप मेरी सारी टिप्स देख सकते हैं, मेरे इस चैनल पे 1500 वीडियो हैं, पूरा का पूरा नीट जेई और सीबीएसई और जितने भी बोर्ड हो सकते हैं, 11th और 12th की सारी फिजिक्स इसके अंदर ऑलमोस्ट कवर्ड है, और भी वीडियो आएंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, कंसोलिडेशन ऑफ नॉलेज। नॉलेज को कंसोलिडेट कैसे करें, आपके अंदर वो भूल ही जाएंगे नहीं तो आप उसको, अगर आपने पायलट का कोर्स करा या फिजिक्स पढ़ी और आपने उसे लगाया नहीं अपने आप, तो आप भूल जाएंगे। तो बेसिकली सबसे अच्छा तरीका रिकॉल का है नॉलेज कंसोलिडेशन, और नॉलेज कंसोलिडेशन करने के लिए जितनी भी आपने फिजिक्स सीखी ट्रेनिंग फेज के दौरान, अब आप मैदान में आके उसको लगाना शुरू करिए, और आप कम से कम जो अपने आप जो आप प्रैक्टिस करते हैं वही आपके काम आएगी रिटेंशन के अंदर। आप कंटिन्यूसली ट्रेनिंग कॉलेज के अंदर नहीं पढ़े रह सकते कि ट्रेनिंग कॉलेज के अंदर हम पढ़े रहेंगे, ऐसा नहीं होता। मेथोडोलॉजी ये होती है कि आप एक ट्रेनिंग पीरियड होता है, उसके बाद सेल्फ रिविजन का टाइम होता है जहां पे आप जो आपने सीखा उसको आप बेसिकली उसकी धार तेज करते रहते हैं, आप बेसिकली अपने को और स्ट्रांग बनाते जाते हैं, और आपके अंदर वो रिटेंशन आ जाती है जो बेसिकली ट्रेनिंग कॉलेज में आपको नहीं आती है। ट्रेनिंग कॉलेज में आपने सीख लिया, लेकिन अब आप बैटल में जाने से पहले खुद भी अपने आप से भी आपको एफर्ट करना है फॉर डूइंग नॉलेज कंसोलिडेशन, तभी रिटेंशन होगी। नहीं तो पायलट, जिन्होंने पायलट की ट्रेनिंग ली है वो हवाई जहाज उड़ाना भूल जाएंगे, जिन्होंने फिजिक्स पढ़ी है वो फिजिक्स पढ़ना भूल जाएंगे। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी नॉलेज को कंसोलिडेट करें, बाय वॉट, बाय डूइंग एंड अप्लाइंग वॉट यू हैव लर्नड टू क्वेश्चंस। देखिए, नीट का या जेई का फिजिक्स का जो पेपर है वो किस किस किताब से आता है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, ऐसी दो तीन ऑथर हैं जो कमर्शियल ऑथर हैं उनकी किताब से आता है।
एक उनमें से कोई उठा लीजिए। अपना स्कोप लिमिट करके रखिए। नॉलेज कंसोलिडेशन का मतलब ये नहीं है कि अब आप कोई पांचवीं छठी किताब उठा लेंगे। अब आप अपने उन बेकार की जो किताबें आपकी उनको सब साइड में करिए, बिल्कुल फोकस्ड हो जाइए। तो ये टिप नंबर चार है कि नॉलेज कंसोलिडेशन का ही हिस्सा ही है, लेकिन नॉलेज कंसोलिडेशन में आप जो आपने सीखा उसे लगा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ लिमिटेड अमाउंट ऑफ बुक्स। इनफाइनाइट बुक्स नहीं कर सकते अब आप, और परमानेंटली आप ट्रेनिंग कॉलेज के अंदर भी नहीं रह सकते। ये साइकोलॉजिकल फीलिंग है कि आप अगर ट्रेनिंग कॉलेज को छोड़ देंगे तो आप कर नहीं पाएंगे। ऐसा नहीं होता। बैटल में रेडी होने के लिए आपको मैदान में कूदना ही पड़ेगा और आपको वो करना ही पड़ेगा जो सबने करा है। साइकोलॉजिकल वीकनेस नीट और जेई जैसे एग्जाम के अंदर बहुत बहुत महंगी पड़ सकती है। तो आप मेंटल स्ट्रेंथ के साथ ये पेपर दें, डरे नहीं। तो मेरी आपके गुजारिश है, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप नॉलेज कंसोलिडेट करिए। ये एफर्ट आपका अपना है। अब बैटल ग्राउंड में जाने से पहले का जो फेज है, ट्रेनिंग फेज हो गया, प्रैक्टिस फेज हो गया, अब आप जो आपने सीखा है क्वेश्चंस जो एक लिमिटेड मात्रा में करिए। एक चैप्टर पे करीब 70-80 अगर आपने क्वेश्चन कर लिए हैं, एनसीईआरटी भी आपने कर ली है, एग्जाम्पलर भी आपने करी हुई है, इसके बियॉन्ड आता भी नहीं है। तो आप कोई कुछ बुरा हो जाएगा, कुछ एंग्जाइटी हो गई कि कुछ होने वाला है बुरा, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत ही लिमिटेड टाइप का पेपर होता है। स्ट्रेटेजी क्लियर रखें कि अब आप ट्रेनिंग फेज से निकलकर नॉलेज कंसोलिडेशन फेज के अंदर है, जहां पे आप ज्यादा किताबें नहीं पढ़ेंगे और जो आपने अभी तक सीखा है उसका लगातार इस्तेमाल करते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफी है। लगे रहिए, कॉन्सेंट्रेशन बहुत जरूरी है इस समय। अगर आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकते और आपके मन में लगातार ऐसा आता है कि ये भी कर लें वैसा भी कर लें, वो तरीका गलत है। इस समय कॉन्सेंट्रेट करिए किताबों पे, 70-80 क्वेश्चंस के ऊपर, एनसीईआरटी पे, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में और एक आध रेफरेंस किताब के ऊपर। दैट इज ऑल। अब सिर्फ फर्क इतना है कि आपकी ट्रेनिंग पीरियड खत्म हो गई है, अब आप अपने अंदर उस नॉलेज को कंसोलिडेट करते हैं। तो मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो आते रहेंगे इस टॉपिक के बारे में। साइकोलॉजिकल वीकनेस इज वेरी डेंजरस, उसको अवॉइड करिए। बहुत बच्चे अच्छे होने के बावजूद भी साइकोलॉजिकली वीक पड़ जाते हैं, जिससे उनको नुकसान हो सकता है। तो माई बेस्ट विशेज आर विद यू। प्लीज कंटिन्यू टू डू योर प्रिपरेशन जैसे आप कर रहे हैं, बट कंसोलिडेट करिए उसको। उसको और बड़ा मत करते जाइए, उसको राई का पहाड़ मत बनाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ। और दोबारा मिलेंगे अगले वीडियो में। मैं कुछ और टिप्स भी बताऊंगा, बट पिछले वीडियोस देखिए। टिप नंबर 1, 2, 3 बेसिकली सारा फोकस डिसिप्लिन के ऊपर है, स्ट्रेटजी के ऊपर है। तो आप स्ट्रेटजी से पेपर देंगे, जरूरत से ज्यादा मेहनत करने की आपको जरूरत नहीं है। स्ट्रेटजी आपका 50% काम आसान कर देगी। अपने थॉट्स पॉजिटिव रखिए और साइकोलॉजिकली स्ट्रांग रहिए, क्योंकि बैटल में तो उतरना ही पड़ता है। तो ऑल द